नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए है। इसमें जो भी प्रश्न बताऊँगा वो आपके लगभग हर परीक्षाओं में कम्प्लीट हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स है, कॉपी के पेन लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ लिखते चलिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रत्येक वर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को। देखिए, सबसे पहली बात, आप लोग वीडियो को बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले ही वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ सकें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डलीलाह मोहम्मद, जिन्होंने 28 जुलाई को 400 मीटर बाधा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो आपके किस देश से संबंधित हैं? तो डलीलाह मोहम्मद आपके हैं अमेरिका से संबंधित। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेलवे द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ पर खोली गई है? तो पहली प्रिंटिंग प्रेस है जी हेरिटेज गैलरी खोली गई है महालक्ष्मी नामक जगह पे। और ये महालक्ष्मी है कहाँ पर है आपका? ये है आपका महाराष्ट्र में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 की जनगणना कितनी अनुसूचित भाषाओं में की जाएगी? तो ये की जाएगी 18 भाषाओं में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ लिखते रहिएगा, हर परीक्षा में आने के पूरी पूरे चांस हैं। तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग देख सकें। और अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम अफ्रीकी अमेरिकन महिला कौन बनी है आपकी? तो ये बनी है टोरी मॉरिसन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस सशस्त्र बल के लिए SS देसवाल जी को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय सुरक्षा गार्ड। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 10 अगस्त को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2019 को भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति आंदोलन भी कहा जाता है, इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह आपकी मनाई गई है 77, 77वीं वर्षगांठ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोटर स्पोर्ट में विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐश्वर्य पिस्से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगले सत्र से कौन सा सरकारी निकाय पेपरलेस हो जाएगा, मतलब बिना पेपर के काम होगा उसमें, पूरा काम ऑनलाइन? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में कितने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है 6 प्रशिक्षकों को। देखते हैं अंतिम प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत से पाकिस्तान को जोड़ने वाली कौन सी रेल सेवा का स्थायी रूप से निलंबन किया गया है? तो यह आपकी हो जाएगी समझौता एक्सप्रेस। देखिए, आज इतना ही रखते हैं। करंट अफेयर्स की क्लासें बीच बीच में आती रहेंगी, साथ ही साथ हिंदी की भी क्लासें चलती रहेंगी। मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, क्लास देना, मैं देता रहूँगा। आप लोगों का जो काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप लोग भी अपना काम करते रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, जहाँ तक आप लोग शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी क्लासें आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका चैनल है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।